जाओगे तो आप लोगों को ऐसी फ्रोजन लेक मिलेगी। ये देखो कितनी फ्रोजन है, देखो लोग इस पे घूम भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो भाई इधर आओगे आप लोगों को तो ये फ्रोजन वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। ये देखो फ्रोजन वाटरफॉल भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो गाइस आज है 12 दिसंबर 2023 और हम लोग हैं अभी मनाली में। फिलहाल मैं अपने होटल नटराज में खड़ा हूँ और मनाली का क्या माहौल है अभी आप लोगों को। तो दोस्तों अभी फिलहाल ऐसा कुछ माहौल है मनाली का, अभी मनाली दिसंबर हो गया है तो मनाली में अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन स्नोफॉल के पूरे चांसेस ज़रूर है। आप लोग ऊपर देख सकते हो क्लाउड्स कितने भरे हुए हैं, तो हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक स्नोफॉल हो जाए। बाकी मैं कल आया था यहाँ पे बाई रोड दिल्ली से, तो दिल्ली से कैसा है रोड मनाली का, क्या कंडीशंस है आप लोग जाके मेरे ब्लॉग पर देख सकते हो। बाकी भाई मैं थार से आया हुआ हूँ, वो नीचे अपनी थार खड़ी हुई है और अभी हम लोग जाएंगे सिसु, विंटर सिसु। तो सिसु का भी भाई अपना ही मज़ा है विंटर्स में, विंटर स्पीति का पूरा मज़ा आ जाएगा आज, पूरी स्पीति वाली फीलिंग आ जाएगी। स्पीति तो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं सिसु। अगर स्नोफॉल हो गई तो हो सकता है रास्ता बंद कर दें, अदरवाइज़ हम लोग सिसु के नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे। और रास्ते में जो भी पड़ेगा सोलंग वैली वगैरह कैसा माहौल है, हो सकता है ऊपर स्नोफॉल हो रही हो क्योंकि अभी मनाली में ऊपर होने के बाद मनाली में पहुँचती है, तो आज मौसम तो पूरा हो रखा है भाई। तो अभी जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी भाई मनाली है ना ब्यूटीफुल है यार। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई सिसु के लिए। तो उधर है ना मैं 4x4 इंगेज करने के लिए बहुत बेताब हूँ इसका क्योंकि ज़्यादातर 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ कर रहे हैं उधर के लिए और मौसम भी ख़राब है, तो इसलिए मैं इस बार थार लेके आया हूँ। बाकी भाई ये टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक 4x4, लेकिन फिर भी है ना ये इस चाबी से ही स्टार्ट होती है, पुश बटन भी नहीं दे रखा। पुश बटन तो दे ही देना, उसमें क्या दिक्कत है, महिंद्रा वाले भी है ना कमाल कर रहे हैं वैसे। देखो भाई इधर है ना ये नदी ने ना सब कुछ बहा दिया था, अभी इन्होंने ना ये वोल्वो वगैरह का स्टैंड दोबारा बना दिया। मैंने आप लोगों को पहले वाले मेरे वीडियो में बताया भी था कि वोल्वो दिल्ली से, अगर वोल्वो से आना है तो फिर यहाँ मनाली तक वोल्वो आ रही है। ये साथ में आप लोगों को दिखेंगी बहुत सारी वोल्वो खड़ी हुई, तो वोल्वो से आना चाहो तो वोल्वो से भी आ जाओ, पहले यहाँ से टैक्सी करके कहीं भी चले जाओ घूमने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मनाली है ना मुझे हर बार गलत साबित करता है, मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, लेकिन मनाली ने बोला कि भाई मनाली आओगे और ट्रैफिक जैम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई सामने मिल गया है ट्रैफिक जैम पूरा। तो मेरे ख्याल से आगे जब जुलाई में नदी में बाढ़ आई थी और तो रास्ते पे आ गए थे, शायद वहाँ पे लगा हुआ क्योंकि स्नोफॉल तो है नहीं, जो स्नोफॉल होती है ना तो फिर ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है। बाकी भाई कोई बात नहीं, मनाली आए हैं तो इन चीज़ों का अपना ही मज़ा है, आप लोग सामने नज़ारों के मज़े लो। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर विंटर स्पीति, बहुत सारे लोगों का मन होता है कि विंटर स्पीति जाने का, लेकिन वहाँ के रास्ते ना थोड़े से डेंजर है, विंटर स्पीति में टेम्परेचर भी -20, -22, -25 तक जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो उस टाइप का मज़ा लेना तो आप लोग विंटर्स में आके सिसु, कोक्सर या अभी इन्होंने अगर स्नोफॉल नहीं हुई ना तो डारचा तक टूरिस्ट को जाने दे रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि 4x4 व्हीकल्स को ये अलाउड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग आके अपने जिप्सी वगैरह करके आप लोग जा सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर विंटर स्पीति नहीं जा सकते तो इसको कर लो, ये आपको वही फीलिंग दे देगा। ये देखो दोस्तों नदी ने कितना चौड़ा, मतलब कितनी बड़ी हो गई है यहाँ पे, पूरी फैल गई भाई पूरी। और अभी देखो क्या शांत शांत बह रही है बिल्कुल, आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि ये वही नदी है जिसने, लेकिन भाई लोगों का भी कसूर है, नदी के अंदर घुस के बना लेते हैं तो वो भी दिक्कत है क्योंकि नदी अपने टेरिटरी तो वही ले ही लेती है, कभी भी ले, लेकिन वो ले लेती है। जब ये धीमी धीमी बहती है तो लोगों को लगता है कि इतनी है ये कभी बढ़ेगी नहीं, वो फिर लोग थोड़ा अंदर घुस जाते हैं इसकी। तो नेचर है, नेचर को अपने आप को रिकवर करना आता है, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब ये रिकवरी करना जानता है, जब इसको ज़्यादा लोग परेशान करते हैं तो ये रिकवरी कर ही लेते हैं। दोस्तों ये देखो ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा रोड ख़त्म हो गया था, ये पत्थर डाल के बनाया हुआ है, तो ये देखो नदी क्या क्या कर सकती है ना, पूरा ही लेगी भाई ये यहाँ तो है ना पूरा ख़त्म, और इसके आगे तक है ना पूरा ही ख़त्म है। लेकिन ये है कि रोडों का काम लगे हुए हैं, प्रशासन ने जल्दी से जल्दी इस लायक कर दिया है कि ट्रैफिक निकल जा रहा है स्मूथली, तो आप लोग आओ तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रोड नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस सारा मतलब कि रास्ते इस टाइप से कर रखे हैं कि आप लोग निकल जाओगे आराम से, फंसोगे नहीं। तो दोस्तों दिस इज़ पलचन, और ये भाई राइट में आप लोग जाओगे ना यहाँ से, ये वाला रास्ता है, ये जाता है रोहतांग और गुलाबा के लिए, और सामने सोलंग वैली सिसु अटल टनल। आप लोग आमतौर पर दिसंबर में आओगे ना तो ये पूरा व्हाइट होता है, लेकिन इस बार पड़ी ही नहीं है बर्फ यहाँ पे एक बार भी।
दोस्तों ये है सुलोंग वैली। अरे भाई दिसंबर का महीना है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा है सुलोंग वैली। एक बूंद भी बर्फ की नहीं है यहाँ पे अभी। ये बेचारे ये भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जब स्नो होती है ना तो दिसंबर में स्नो के दिल्ली ही लोग आते हैं, तो ये भी खाली बैठे हुए। पहले तो बारिश में इनका टूरिस्ट खत्म हुए और अब भाई स्नोफॉल नहीं हो रही मनाली में, तो लोग ज्यादातर जो या तो रोहतांग जा रहे हैं या सिसु जा रहे हैं स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए, तो लोग आगे निकल रहे हैं। ये आप लोगों को देखेंगे ना इतनी सारी गाड़ी, अदरवाइज तो आगे जाने ही नहीं देते। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अटल टनल। तो भाई इस तरफ देखो, इस तरफ हल्की हल्की स्नो है, लेकिन इसके बाद के नज़ारे आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, बेहतरीन नज़ारे होंगे। अब ये पुलिस वाले रोकते हैं, चेकिंग करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी भाई पूरी चेक कर ली, गाड़ी में लगेज तो है नहीं हमारी में, ना दारू वारू कुछ है, तो ये बाहर की गाड़ियों को टनल में घुसने से पहले चेक करते ही हैं। तो आप लोग आओ तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक तो गैस सिलेंडर वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाने देते ही। अभी टनल के अंदर घुस गए भाई हम लोग, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। तो दोस्तों एक गैस सिलेंडर और भाई दारू वारू मतलब थोड़ी बहुत तो जाने देंगे, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी में होगी ना, तो भाई ये लोग नहीं अलाउड करते बिल्कुल भी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का स्पेशल। देखो दोस्तों हम लोग निकले हैं अटल टनल के बाहर और यहाँ से नजारे एकदम देखो बिल्कुल वाइट वर्ल्ड, वेलकम टू लाहौल इसको कहते हैं भाई। नजारे ये होते हैं नजारे, नॉर्मल गाड़ियां भी आ रही हैं भाई इधर तक। अगर आप लोग आना चाहो तो जब स्नोफॉल नहीं होती तो ये नॉर्मल गाड़ियों को अलाउ कर देते हैं, अगर स्नोफॉल चालू हो जाती है तो फिर नॉर्मल गाड़ियों को रोक देते हैं, ऐसा कुछ है। अभी आगे रोकेंगे, थोड़े फोटो खिंचवाएंगे यहाँ पे। यहाँ है दोस्तों ठंड भाई, हवा चल रही है जबरदस्त वाली और नजारे आई लव लाहौल, स्पीति लाहौल विंटर्स में जन्नत है जन्नत, मजा आ गया भाई देख के कदर। और स्नोफॉल अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। पहली बार थार से आया हूँ तो हैरियर में भी मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन उसमें एक जो कमी है वो 4x4 की है। अगर टाटा वो दे दे तो फिर उससे बढ़िया गाड़ी ही नहीं है, लेकिन इसमें 4x4 है तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है। मेरा तो मन कर रहा है कहीं भी घुसा दो, 4x4 यूज़ करने का पूरा मन कर रहा है। लेकिन तो दोस्तों भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है यार। मनाली में मतलब की ठंड थी, लेकिन इधर की ठंड का है ना अलग ही लेवल होता है। वो सुन हो गया बिल्कुल हाथ है ना, कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। अभी आगे ये 300 रुपये का भाई पर्ची कटेगी, लाओ सिसु में एंट्री के लिए। तो दोस्तों 200 रुपये की पर्ची कट गई भाई, 300 की। मैंने बोला मैं थार तो यार एसयू में थोड़ी आती है, दो ही बंदे बैठ पाते हैं, लगेज भी ढंग से नहीं आ पाता, 4 मीटर से छोटी है। मेरा नहीं सर एसयू में आती है, तो मैं बोल रहा था ना मैं एसयू ही है, नॉर्मल कार की है, तो एसयू ही की पर्ची काटते हैं भाई है, 300 की। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस बार हम आए थे स्नोफॉल के मजे लेने के लिए। मनाली साइड में इस बार स्नोफॉल हुई नहीं है, तो उसका फायदा हमें ये मिला कि हम लोग सिसु आ पाए और इन सुंदर नजारों का आनंद ले पाए। नहीं तो है ना उधर स्नोफॉल हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इधर के लिए फिर बंद कर देते हैं, इधर नहीं आ पाते। तो दोस्तों जुलाई में जब बाढ़ आई थी ना यहाँ पे, तो ये चंद्रा रिवर है साइड में, इसका भी पानी इतनी ऊपर आ गया था, तो ये रास्ता जो देख रहे हो ना ये भी पूरा खत्म हो गया था, ये भी नया बनाया हुआ है। तो ये साइड से चंद्रा है, आगे बागा से मिलके टांडी से ये चंद्र बागा रिवर बन जाती है, और फिर कश्मीर में जाके ये चिनाब रिवर चिनाब के नाम से जानी जाती है, फिर ये पाकिस्तान चली जाती है कश्मीर। गाड़ी मेरी आगे करवा दी, तो भाई इनकी बात भी मानना जरूरी है क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, अगर सभी रोक रोक के खींचेंगे तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये है सिसु, विंटर्स में ये भाई इस टाइप का दिख जाता है बिल्कुल ही, ये स्नो कवर्ड फुली वाइट, और ये रोड बनाने का काम चल रहा है, ये मशीनें सारी आइस क्लियर करने की खड़ी हुई है। नज़ारे बेहतरीन है भाई सिसु के, ये देखो गजब यार गजब।
तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सिसु लेक के लिए, नीचे हेलीपैड के लिए। और भाई आप लोगों को आल्टो दिख रही है ना, असली में यही है पहाड़ों की रानी। भाई लोग 4x4, थार, जिमनी, जिप्सी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन भाई ये आल्टो है ना, कहीं भी घुसा दो इसको, अपनी उठाओ और कहीं भी घुसा दो, ये देखो आप लोगों को आल्टो ही आल्टो मिलेंगी पहाड़ों में। तो ये सच में पहाड़ों की रानी है, फंस जाए तो अपना उठा के साइड में कर लो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं भाई हेलीपैड पे, गाड़ी पीछे लगा दी है अपनी, और पूरी आइस है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो पूरी ब्लैक आइस है। थार भी स्किट मार रही है, मतलब कि स्किट तो भाई सारी गाड़ियाँ मारती है, लेकिन 4x4 होने का ये फायदा है कि निकल जाती है, ऐसा कुछ है। बाकी अभी आप लोगों को फ्रोजन लेक दिखाता हूँ, सिसु की लेक फ्रोज हो चुकी है बिल्कुल। तो दोस्तों दिसंबर में आप लोग अगर सिसु आओगे तो आप लोगों को ऐसी फ्रोजन लेक मिलेगी। ये देखो कितनी फ्रोजन है, देखो लोग इस पर घूम भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, हालांकि इस पर जुर्माना लगाया हुआ है 5,000 का, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं भाई, पूरी फ्रोजन लेक है भाई, पूरी की पूरी, ये देखो। आप लोगों को समर में भी दिखाया था, और वो उस तरफ आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे सिसु वाटरफॉल है, अब तो बिल्कुल जम चुका है वो, अभी बिल्कुल फ्रोजन है। नहीं तो आप गर्मियों में आओगे ना तो वहाँ तक भी ट्रैक करके जा सकते हो, ऐसा कुछ है, कमाल की जगह है यार। ये देखो फ्रोजन, ये इधर भी फ्रोजन लेक और ये फ्रोजन लेक, आप इस पर बिल्कुल घूम सकते हो भाई। और अभी तो दिसंबर की 12 तारीख है आज, तो आगे तो बिल्कुल ही ये जम जाएगा, और जनवरी वनवरी में तो बिल्कुल मनाली में भी इतनी स्नोफॉल हो जाती है, तो इधर आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अभी आप लोग आ सकते हो, हाल फिलहाल ऐसा कुछ माहौल है। यहीं पे अपने पास में गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। रोहतांग से बेस्ट लगा मेरे को ये, रोहतांग जाने से बढ़िया है आप लोग यहाँ पे आ जाओ। दोस्तों ये देखो कितनी मोटी परत जम चुकी है भाई, ये कम से कम 5 इंच मोटी ये परत जम चुकी है पूरी, और इतनी हैवी है ना ये, कमाल भाई, मज़ेदार जगह है, मज़ेदार नज़ारे आप लोग देखो तो एक बार यार। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक्टिविटी भी बहुत होती है, उस तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा ना, उधर है ना सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखेगी, तो आप लोग आओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी एक्टिविटी मिल जाएगी, बच्चे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बढ़िया भाई, लेकिन भाई तैयारी से आना। इतना मज़ा आ रहा है ना, सच बता रहा हूँ मैं भाई, मतलब कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं मनाली आके स्नोफॉल नहीं मिली ना तो थोड़ा सा मैं दुखी हो गया था, मैं यार स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन यहाँ आके ना सारी कमी पूरी होगी। मेरे को ये लग रहा है अब कि अच्छा है स्नोफॉल नहीं मिली, अगर स्नोफॉल होती तो यहाँ नहीं आ पाते, और सर्दियों में हम लोग सिसु नहीं देख पाते। मज़ेदार जगह है, खूब टूरिस्ट आए हुए हैं। मैं मतलब ये सोच रहा था मनाली में इतने टूरिस्ट नहीं है, लेकिन खूब सारे लोग आए हुए हैं भाई, तो आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो तो आ जाओ भाई मनाली। रोड कंडीशन वगैरह बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक हो गई है, आप लोग